भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूर जाएंगे तो ऐसी राइड पे जो डेंजरस भी होगी। कब्रिस्तान भी दिख रहा दोस्तों मुझे, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे भाई, कितना जंगल है यहाँ पे, तो जंगल में मंगल ना हो जाए। दोस्तों कभी जिंदगी में आपका मन करे खुद की मरवाने का, ये दिख रहा आपको, ये देखो देखो ये क्या दिख गया दोस्तों ब्लॉग के अंदर। अरे उस बा कितना सब्सक्राइबर हुआ था रे हमारा सरदार, पूरा 1000। क्या बात कर रहा उड़ी बाबा, ये तो गजबा हुई गवा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका भाई, सबसे पहले तो सबको प्यार भरी राम राम हमारी तरफ से, बहुत बहुत ही शुक्रिया भाई आप सबका, आपने तो दिल खोल के छप्पड़ फाड़ के प्यार दिखा दिया भाई साहब। वहीं से तो ये राज भैया किसी के सामने झुकता ही नहीं सिवाय भगवान के और अपने माँ बाप के, लेकिन आज भी दोस्तों मैं यहाँ में पिघल गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत है धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को, आप माई बाप हैं हमारे दोस्तों। क्या प्यार दिखाया यार आपने, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 1000 सब्सक्राइब पूरे करा दो, लेकिन आपने रातों रात ही जिंदगी बदल दिया ससुरा। ऐसा कैसा 1000 हो गया हमें पता ही नहीं चला, रात का समय था, 999 हो रखा था नंबर वो ससुरा, हम मोबाइल खोला और देखा कब 999 से 1000 होगा पता ही नहीं चला। वो ससुरा जब से हम वो 1000 देख रहे हैं ना, हमारा मनवा इसको ये खा रहा है। दिवाली का इससे अच्छा गिफ्ट तोहफा का हो सकता है, वो भी आपकी तरफ से हमारे लिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो सिर्फ 1000 यानी 1K हो चुके हैं मेरे, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी ऊपर चला गया होगा मुझे पूरा यकीन है। जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ 1, उस दिन ये 1000 हो चुके हैं, ठीक है। तो भैया अभी तो सिर्फ एक सीढ़ी पूरी की है हमने यानी सब्सक्राइबर वाली, लेकिन दूसरी सीढ़ी पेंडिंग है, वो है वॉच टाइम, जो कि मेरा 1500 है, आपको तो पता ही होगा 4000 करना होता है। तो भैया जिस दिन 4000 होगा ना, उस दिन हम केक काटेंगे। अभी हमें आधी खुशी हुई है, पूरी खुशी उस दिन होगी जब हमारा वॉच टाइम ना 4000 होगा, तो वो भी फटाफट से करवा दो ताकि हम डबल सेलिब्रेशन करें एक ही साथ उस दिन, ठीक है। तो भैया आज इस स्पेशल डे को बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ एडवेंचरस करते हैं। तो मेरे दिमाग में कल रात को ही प्लान आ गया था, कहीं दूर जाएंगे फिर ऐसी राइड पे जो डेंजरस भी होगी, इस तरह का कुछ हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करेंगे, आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप जैसे अभी पीछे प्यार बरसा रहे हो उसी तरह से आगे बरसाओ, और अब हम फटाफट अपनी तैयारी करते हैं, निकलते हैं बाइक पर, चलते हैं वहाँ पर। कहाँ पर जा रहे हैं आपको हम रास्ते में बताएंगे, अभी सरप्राइज़ है, कुछ करेंगे लेकिन बहुत बड़ा करेंगे, कुछ ऊँचा करेंगे जो किसी ने किया आज तक वो हम करेंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में आए क्योंकि काफ़ी लंबा और काफ़ी डेंजरस और काफ़ी मतलब एडवेंचरस रहने वाला है, तो हम उसको छोटी सी उसमें क्लिप में नहीं समेट सकते, या 10-15 मिनट में हो सकता है इसको दो भाग में बांट दें, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे भी होगा, आप बस देखना और इन्जॉय करना, लेकिन एंड तक देखना, मज़ा ज़रूर आएगा आपको, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं घर के बाहर, निकलने को हो गए हैं तैयार, और साथ में मैं तो हुई हूँ बाइक भी, और साथ में एक और बंदा है ये हमारे साथ, हमारा भाई समझो पड़ोसी ये स्पेशली इसके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये इसके डिपार्टमेंट का ही काम है, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि बंदा साथ में होना चाहिए जिसको पूरी जानकारी इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट अब निकलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, रास्ता बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा टूर रहने वाला है, कोई पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं, चल भाई बैठ जाओ। तो चलिए अब मिलते हैं आपको ना रास्ते में, जिस रास्ते से हम जाएंगे, शायद इस रास्ते से कोई पहले नहीं गया होगा, हम ही लेके जाएंगे आपको ऐसे रास्ते से जहाँ से कोई कभी गया ही नहीं है, वो भी इसी के कहने पे जा रहा हूँ मैं इसने कहा कि एक रास्ता है आपको वहाँ से लेके जाऊँगा और ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे पता नहीं कौन से नज़ारे दिखाएगा अभी जिस लोकेशन पे हम आपको लेके जा रहे हैं उसका रास्ता यही पड़ता है बंतलाब से ऊपर वाला साइड से, जो इसने मुझे बताया शॉर्टकट है लेकिन उससे पहले शॉर्टकट ले हम पेट्रोल डलाना ज़रूरी है, इसलिए हम पेट्रोल भरवा लेते हैं ताकि हमारा जो ये टूर है आज एक और लंबा कठुआ के बाद वो भी हम आराम से कर सकें। दोस्तों वो एरिया जो है यहाँ से पड़ता है, यहाँ से घुसना हमें, जो शॉर्टकट इसने बोला मुझे, ये बंतला से जैसे ही आप राधा स्वामी का जो आ गया ना उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपके ना राइट साइड ऊपर को एक रोड जा रही होगी, ठठर बोलते हैं, ठठर है ना ये ठठर, ठठर हाँ ये ठठर है दोस्तों, इससे वो रोड जाती है उस तरफ को जो हमें कहाँ निकालेगी, ये हमें नगरोटा लगा लेगी, फिर वहाँ से हम सीधे रियासी घुस जाएंगे अच्छा आईआईटी के पास, तो भैया ये आईआईटी के पास ले जाएगी और यहाँ से सीधे हम घुसेंगे रियासी, फिर तो ये शॉर्टकट है।
देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम, ऊपर या इधर? लेफ्ट राइट, ये तो राइट है गाइस, इसको लेफ्ट राइट हो गया इधर। कुछ थोड़ी सी ऑफ रोड होती हुई। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में ही हम नगरोटा में नहीं पहुंचे हैं। तो ये कुछ रास्ता इस तरह का, मैं इस रास्ते पे पहली बार आया हूं, भगवान की कसम मैं पहले कभी नहीं आया हूं। आज मैं बिना गूगल भरोसे, मतलब गूगल मैप का सहारा नहीं, आज इस पीछे वाले बैठे बंदे का सहारा है, इसी के कहने पे जा रहा हूं। पता नहीं कहां लेके जाएगा अभी ये, देखते हैं भाई कहां पहुंचाती है मंजिल आज हमें। कब्रिस्तान भी दिख रहा दोस्तों मुझे, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे तो भाई हमें वहां पहुंचने, कब्रिस्तान नहीं पहुंचे दोस्तों। देखो क्या क्या हो गया, कब्रिस्तान दिख गया रास्ते में, अब क्या करें हम, इसी के भरोसे जा रहे हैं। ये तो कब्रिस्तान दिखा रहा है हमें भाई, कितना जंगल है यहाँ पे, तो जंगल में मंगल ना हो जाए हैं वो भाई, जंगल में लेके आ गया तो जंगल में मंगल ना करवा देना मेरे साथ दोस्तों। अगर मेरे साथ कुछ हो गया जंगल में मंगल, तो इसको पकड़ लेना जो मेरे पीछे बैठा हुआ है। चलो देखते हैं क्या क्या दिखाता है, कब्रिस्तान तो देख लिया, अब कहीं शमशान घाट तो दिखा दे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ऊपर वानर जी बैठे हुए हैं और यहाँ मंदिर भी है, हर हर महादेव। तो भैया ये कुछ इस तरह की ऑफ रोड में हमें ले आ चुका है, लेकिन कह रहा है कि रास्ता बिल्कुल सही है, बीच बीच में रास्ता अच्छा भी था, लेकिन ऐसी रोड भी एग्जिस्ट करती है, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा शॉर्टकट है। हम क्या सोच रहे हैं, गूगल मैप को छोड़ के हम इसी को हायर कर लेते हैं रास्ते के लिए क्योंकि लगता है ये गूगल मैप से ज़्यादा करेक्ट है। आज बाइक का टेस्ट है, ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। ससुरा 600 का तेल डलवाए हम आज, हमें पता है ज़्यादा डाला, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा उतना अच्छा, कोई पता नहीं होता रास्ते का कितना लंबा कितना छोटा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसलिए अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो फिट रखनी चाहिए दोस्तों। तब से ऑफ रोडिंग ही चल रही है और चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और ये जंगल किस जंगल में हमें मंगल करवाएगा कोई पता नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये बंदा पहले भी आ चुका है यहाँ पे, इसलिए ये जानकार है यहाँ का, लेकिन हम नहीं है ना हमारी बाइक। आज इसकी अच्छी खासी रोप राइडिंग हो जाएगी। ओ भाई जंगल बढ़ता ही जा रहा दोस्तों, कितना गहरा जंगल है ये तो पता नहीं, उसकी गहराई में जाके ही पता चलेगा कि कितना गहरा जंगल है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, समझ रहे हो आप नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जंगल की असली गहराई जंगल के बीच में घुस के ही पता चलती है। 1K की खुशी में हम इतने पागल हो गए कि हम जंगल की गहराई नापने के लिए निकल गए। ओ भाई सोचा नहीं था ऐसी रोड मिलेगी हमें। आपको पता दोस्तों दूसरा दो रास्ते थे इसके, एक था रियासी मतलब कटरा के थ्रू जो निकलता रास्ता और एक था अखनूर के थ्रू, लेकिन साला हमने दोनों रास्तों को धक्का मार के इस रास्ते को चुना क्योंकि हम कुछ अलग करना चाहते थे पर इतना अलग ये सोचा नहीं था। अब ये क्या है फिलहाल हम इस जंगल की गहराई को नापते हुए निकलते हैं। क्या बन रहा है ऊपर, क्या बन रहा है? कंस्ट्रक्शन लगी है। अरे भाई कौन सी कंस्ट्रक्शन लगी है दोस्तों, इतने ज़्यादा जंप लग रहे हैं ना कि हमारा एक नंबर निकल जाएगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ। और अगर और ज़्यादा लग गया ना तो कहीं दो नंबर ना निकल जाए। ओ भाई मेरी भाई बाइक की वाइब्रेशन हो के दोस्तों मेरा दूसरा नंबर निकलने वाला है। इतनी भयंकर ऑफ रोडिंग आज तक नहीं हमने की इस बाइक पे। अरे बाप रे, नहीं नीचे नहीं जाना हमें वरना व्यू क्या कुछ भी नहीं दिखेगा फिर। ये है कुछ इस तरह का व्यू, ये जगह कौन सी है मुझे कुछ पता नहीं है भाई इतना पता है हम नगरोटा और ठठर के आगे कहीं बीच में एक खड्ड है, ये कौन सा खड्ड है मुझे नहीं पता, उस खड्ड में हम बढ़ गए हैं, बड़ो खप्पे जिसको बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगली खड्ड की ओर। ओहो मुझे पहाड़ दिखने लग गए दोस्तों, ऊँचे ऊँचे सामने सामने, लगता है हम कहीं ना कहीं पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे थार लगी, कभी ऊंचाई कभी ढलाई, ये कैसी जिंदगी है भाई हम पागल थे भैया हम यहाँ आ गए जो अरे दोस्तों जंगल और गहरा होता जा रहा है, ये देख सकते हो आप जंगल की गहराइयाँ, और आगे से देखो आपको भेड़ बकरियाँ भी दिख रही होंगी। कितनी है ये कोई आइडिया नहीं उसको, कितनी है कितनी 100 भेड़ बकरियाँ और उसमें दो हम और, हमको भी इंक्लूड कर दो तो 102 हो गई
हम भी हालत ऐसी हो चुकी है हमारी भेड़ बकरी जैसी। इतनी गहरी गहरी खाइयां भी हैं, जंगल के साथ साथ खाइयां भी हैं दोस्तों। भैया अगर रोड बनाई है तो इस पर तार कोल भी बिछाना होता है। कौन है ये रोड बनाने वाला जो भूल गया तार कोल भी डालते हैं? सिर्फ रोड से काम नहीं चलता, रोड चिकनी भी होनी चाहिए। क्योंकि चिकनी होगी तो तभी हम फिसलेंगे इस पर आराम से। यहाँ पे एक साल पहले आया था तब तो रोड अच्छी थी। ये क्या हो गया? ये कह रहा है कि एक साल पहले आया था और तब रोड अच्छी थी, और एक साल बाद ये क्या हो गया? लगता है इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही चिकनाहट हो गई कि रोड से सारा तार को निकल गया। हमारा पूरा सिस्टम बज रहा है दोस्तों, बाइक का तो बज रहा है, हमारा भी बज रहा है। हमें तो ये कुछ और कह के आया था कि हम जल्दी शॉर्टकट पहुंच जाएंगे, लगता है ये कुछ ज्यादा ही लंबा शॉर्टकट है। तो दोस्तों कभी जिंदगी में आपका मन करे खुद की मरवाने का तो आप ये रास्ता जरूर चुने। अच्छा, क्योंकि यहाँ आप पूरी जिंदगी की मरवा लेंगे। ठीक है, समझ गया। जैसे हम मरवा रहे हैं, हमने अपनी मरवा ली आज के दिन। अब हम इससे ज्यादा क्या ही कहें आपको, किन शब्दों में बयां करें ये। और ये हमने अकेली नहीं मरवाई आज, हमारे जो पीछे बैठा इसने मिलके मरवाई है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद दोस्तों हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट ना लें आप। लॉन्ग कट ले लें लेकिन शॉर्टकट ना लें, क्योंकि जितना शॉर्ट जाओगे ना उतने आपके शॉर्ट हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों फाइनली जंगल की गहराइयों को नापते हुए फाइनली हम पहुंच ही गए मेन रोड की तरफ। और ये हम आप पहुंचे हैं IIT कॉलेज जो जम्मू का है वहां पे, ठीक है। और अब हम यहां से पकड़ेंगे मेन रोड और जाएंगे सीधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे ये रोड निकलती है जिस रोड से हम आए थे अभी, और अब ये रोड यहां से हमें जोड़ेगी मेन रोड पे। और अब हम यहां से बढ़ते हैं अपनी साफ सुथरी रोड पे। ये देख सकते हो टैंक पूरा फुल हो गया है, इस पर ऐसे ही शो कर रहा है। मुझे नहीं पता फुल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने 600 का डलवाया, पूरा टैंक यहाँ पे फुल शो कर रहा है। अब ये कितना बचेगा कितना होगा पूरे ट्रैवल में ये पता चल ही जाएगा आज आपको, ठीक है। 600 में आया हमने कोई करीब 6 लीटर और 6.17 लीटर 600 रुपये में पड़ा है पूरा पेट्रोल, ठीक है। तो भैया एक और व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हम, ये है वो व्यू पॉइंट, काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है खासकर शाम के टाइम में, क्योंकि जब यहाँ सनसेट होता है तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे इस जगह पे। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं, आपको भी व्यू दिखाते हैं, थोड़ा ना ऊपर जाते हैं, थोड़ा व्यू देखते हैं फिर आगे जाते हैं। ये है सनसेट व्यू यहाँ का, और यहाँ से आपको ऐसे खतरनाक पहाड़ दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कभी आपसे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, मतलब इतनी खुद की खुशी हो जाए ना, आप यहाँ से खुदकुशी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर यहाँ से हमें देखते हुए, क्या लाइक करो, दबा के लाइक कर दे भाई, दबा के लाइक कर, शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। यूट्यूब पे चैनल है, चैनल का नाम है राधे भैया JK02। सब्सक्राइबर खुशी में इतने पागल हो गए कि पेड़ों पर चढ़ गए दोस्तों। और वो देखिए छोटा बड़ा सब्सक्राइबर, ठीक है, ये देखिए छोटा सा चुन्नू मुन्नू सब्सक्राइबर भी है। तो यार मत बोलना, हम स्पेशली आपके लिए हैं, थैंक्स करने हैं आपको भाई साहब, और आप हमसे ही भाग रहे हो। क्या बात है यार, इतनी क्या खुशी होगी है। गिर मत जाना यहाँ से, खुद खुशी मत करें ना खुशी में। वो वाला पॉइंट से अच्छा ये वाला पॉइंट है। क्योंकि उस वाले पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट है ना वो दर्द कर रहा है। वो भाई छुपके क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों हम निकलते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, हमने वहीं से निकला उन पहाड़ियों से होते हुए जाना वहाँ उस लोकेशन पे, तो वापस भी आना है। यहाँ से हम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे देखेंगे, इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखा के जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से फोटो फाटू खींच के हम निकल गए आगे की तरफ और पहुँच गए टोल प्लाजा की तरफ, जहाँ पे कटता है आपका टोल, लेकिन हम नहीं कटवाएंगे क्योंकि हमें स्पेशल बंदे VIP बंदे। हमें स्पेशल बंदे, और देखिए टोल काटने वाला बंदा ऊपर, देखो देख रहे हो ऊपर टोल काटने वाला बंदा। स्पेशल इसी के लिए रखा हुआ है। तो भैया हम नहीं देंगे नो टोल। ऊपर देख रहे हो आप, हर जगह पे आपको ऐसे प्रोफेशनल मिल जाएंगे टोल काटते हुए। इंसानों की जरूरत ही नहीं रही अब हम सारे काम वानरों से करवाएंगे। तो गाइस पहली टनल आ चुकी है हमारी इस ट्रिप के अंदर, ये देख सकते हो आप।
क्या बात है, अभी तो एक आई, एक और आएगी, अभी एक और आ गई। इसी खुशी में दोस्तों मजा आया। जम के दबाया हमने, आप जम के सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। एक और टनल आ गया, ये थोड़ा सा लंबा होगा उससे शायद। क्या बात है, लाइटें देख रहे हो, लाइटें क्या चमक रही है। ओए होए दोस्तों क्या आवाज आ रही बाइक की टनल के अंदर, देख रहे हो। दबाका, अब एक और टनल आने वाली आगे, आई थिंक ये आखिरी वाली है। अब इसके बाद जो बाकी टनल दिखेगी आपको दिखेगी चेन्नई नेशनल टनल, जो बहुत दूर है, अभी वहाँ मेरे जाना भी नहीं है वैसे भी, लेकिन इस रूट में आपको ये वाली मिल जाएगी। हाय हाय क्या बात है, हो जाएगा और आखिरी टनल में एक और बार फिर से। लाइटें जला दी दोस्तों, लाइटें जला दी, ये आखिरी टनल थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं जी, यहाँ से लेते हैं, मारते हैं कट और चलते हैं भाई रियासी की तरफ। और ये है कटरा वाला रोड, रियासी कटरा रोड, और यहीं से एंटर होंगे भैया। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रखी है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा मोटा कपड़ा डाला था, क्योंकि पता था ठंड का मौसम है, नवंबर का महीना है, इसीलिए भैया अपने साथ हर साजो सामान लेके चले। तो भैया अभी रास्ते में फलूस फेंकता हुआ जा रहा है ये बंदा जो आपको दिख रहा है खिड़की के बाहर। कैमरे कहने के लिए क्या क्या करते हैं ना, ये दिख रहा है आपको, बताओ ये देखो देखो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फेंक 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 और फेंक। अबे खिड़की से बाहर आ जाएगा क्या, बैलून फेंक, किधर गया? फेंक फेंक गाइस, व्यू देखो सामने, हाय 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 हाय, जय माता दी, एक नंबर व्यू। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना, ठीक है, दर्शन करा रहे हैं आपको हम यहाँ से। व्यू तो एक नंबर है, लेकिन एक नंबर की ठंड भी लग रही है, माँ कसम इतनी ठंड लग रही है, इतनी तेज हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी, गजब हो गया भाई। और रोड क्या मस्त है, आने वाले टाइम में एक्सप्रेस वे जो बन जाएगी यहाँ से कटरा जम्मू पंजाब हरियाणा दिल्ली एक्सप्रेस वे कटरा के लिए, तो भैया रोड और भी सही हो जाएगी। जाओ भाई जाओ, निकलो आगे। अरे 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 भाई क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, हम कटरा पहुंच गए हैं, अब समझो देख सकते हो आप यहाँ पे चेकिंग चल रही है गाड़ियों की, हमारी नहीं होगी लेकिन। हमें खुली छूट मिली हुई है आज, खुली छूट। ये देख तो स्कूटी स्कूटी वाले यहाँ पे, ये सब देख रहे हैं स्कूटी वाले यहाँ पे चेकिंग करते हुए। आपको टोल पे भी ये मिले थे, आपको चेकिंग करते भी ये मिलेंगे, एक नंबर एक नंबर। और वो देखो हम और पास पहुँच गए, हम और पास पहुंच गए दोस्तों, वो देखो, हाय हाय हाय, जय माता दी जय माता दी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा के अंदर, मतलब घुस चुके हैं कटरा के सिटी के अंदर मतलब, और सामने देख सकते हो ऊपर वाले टॉप पे एक और व्यू आपको दिखा रहे हैं, हम माता वैष्णो देवी का जो पवित्र पवित्र हिल जो है, जिसको क्या बोलते हैं, पवित्र त्रिकुटा हिल, सामने आपके ऊपर बिल्कुल देखो टॉप पे उस तरफ भवन, उसकी पार वाली साइड जो इधर दिखेगा नहीं। हमें जाना यहाँ से आगे, हमें जाना है रियासी वाली साइड, ठीक है, तो हम दर्शन नहीं करने जा रहे हैं। दर्शन हम आपको करा चुके हैं ब्लॉग में पीछे, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। अरे गाइस व्यू देखो यार ऊपर पहाड़ का, अरे बाप वो देखो 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 देखो, यहाँ से सीधा ऊपर खड़ा पहाड़, हमारे मूड पे डिपेंड है भाई। ऑटो वाला है क्या, भाई साहब ऑटो वाला भी कट मार रहा है, अरे घोड़ा 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 दुब दुबा के दौड़ा, लकड़ी की जाट, अरे लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा। जय माता दी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके नौ देवियां, जो रियासी के रोड पे पड़ता है, यहाँ पीछे नीचे मंदिर है जहाँ पे नौ देवियां यानी नौ पिंडियां हैं माता की। तो खैर हम वहाँ जा तो नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये रोड भी पड़ता है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हम खड्ड में पहुँचते जा रहे हैं, खड्ड आती जा रही है, और ये जो रूट है भैया हमको नहीं पता, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं पहले भी, ठीक है, पर इसके आगे वाला रूट हमें नहीं पता, अब जो भी होगा वो हम देख लेंगे। पर रोड तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी खासी रोड है यार यहाँ पे, तो सोचा नहीं था मैंने कि ऐसी रोड मिलेगी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।
Naughty America. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये क्या दिख गया दोस्तों व्लॉग के अंदर? ससुराल मैं तो व्लॉग बना रहा था, ये तो पोर्न व्लॉग हो गया। एक तो हम इतनी पवित्र जगह पे आ रहे हैं और इतना अपवित्र काम। हे राम ये क्या देख लिया। जैसे कि मैंने आपको पीछे कहा था, ये बंदा मुझे जंगल में लेते जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था जंगल में मंगल भी हो सकता है, और अभी अपने पीछे देखा किस तरह जंगल के बीचों बीच मंगल हो रहा है। और इत्तेफाक की बात आज मंगलवार भी है। वाह भाई क्या मंगल काम किया मंगलवार को। दोस्तों फाइनली हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब अभी रियासी पहुंचे नहीं है। 3 किलोमीटर था, कितने किलोमीटर है अभी रियासी? 2-3 किलोमीटर होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम आसपास ही हैं रियासी के। यहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ पे एक लोकेशन दिख रही है पार वाली साइड, भाई ज़बरदस्त लोकेशन है। क्या है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने एक ब्रिज है, पता नहीं कौन सा ब्रिज है ये। खैर जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है, बस आपको बता नहीं रहे हम, वहाँ जाके बताएंगे। लेकिन हम रुके क्यों हैं, रुके इसलिए क्योंकि दोस्तों हमें बड़ी जोर से ना बड़ी जोर से आई हुई है इस वक्त, तो सोच रहे कहीं टैंकी खाली कर रहे हैं अपनी। तेरे को तो नहीं आया? तो भैया हमने खोल लिया अपना मोबाइल और ये गूगल मैप, और इस पर दिखा रहा हमें कि हम अपनी मंजिल से लगभग 13 किलोमीटर दूर हैं, यानी आधा घंटा लगभग लग जाएगा, डिपेंड करता हमारी स्पीड के ऊपर कि कितनी जल्दी पहुंचते हैं हम। तो फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं, फिर बाकी बातें वहाँ पे करेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ, आराम से सांस लेंगे ठंडी ठंडी, जो गर्म हुई पड़ी है तब से, वो जो पीछे हमने देखा उसके बाद गर्म, यानी बाइक भी गर्म हो गई, ठंडा करने के लिए रोकी हमने। लेकिन अब हम निकलते हैं, ठीक है, हो गए ठंडा हम भी, क्योंकि हमने टैंकी खाली कर दी अपनी। तो हम अपनी मंजिल से 8.4 किलोमीटर दूर, और अब हम जा रहे हैं उस लोकेशन की तरफ। और यहाँ पे जो रोड है काफ़ी चढ़ाई है यार, तो बाइक का टेस्ट हो रहा है, और इस वक्त दूसरे गियर में चढ़ गई, तीसरे में भी चढ़ गई है ये आराम से ऊपर, और ये चौथे में भी चढ़ गई है, काफ़ी मतलब ऊँचाई है। ऊपर देख सकते हो वो एक फोर्ट है, फोर्ट का नाम है भीमगढ़ फोर्ट, वो ऊपर टॉप पर देखो। भैया हम तो पहली बार यहाँ आए, सब कुछ पहली बार ही देख रहे हैं, पहला होता नहीं जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, पहली बार सब कुछ हो रहा है इधर। काफ़ी ज़्यादा मोड़ है भैया, हम तो पूरे ही मुड़ गए हैं। अरे बाप रे फिर मोड़ आ गया, बहुत मोड़ है भैया, बहुत है मोड़ है, ससरा हम ही मुड़ गया है पूरा। अब बकरी, अरे बकरी, अरे 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 बकरी क्या कर रही है, हमारा बोकरा मत बना बकरी, हम बोकरा बनने नहीं आए। नमस्ते महाराज, नमस्ते, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? आपके पीछे परिवार वालों ने बड़े रंग खिलाए हैं। लगता है दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं रियासी के अंदर, मतलब मेन सिटी के अंदर अभी पहुंचे हैं, वो भी सिटी थी पहले वैसे जो देखी हमने खुद, कैमरा हमने अभी ऑन किया। और भैया यहाँ से मुड़ना हमें इस तरफ को, अब यह है अशोक थापा मार्ग, यहाँ से टर्न मार रहे हैं हम अपने मार्ग की तरफ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पर, यहाँ से थोड़ा सा हमें कहीं और भी जाना है, वो हम करते हैं सर्च, वो फिर लेके चलते हैं आपको वहाँ पे। फिलहाल एक मंजिल पे तो पहुँच गए। तेरी तोबा तोबा, रोड तो बड़ी खतरनाक है, पूछो कितना खतरा है, हम इन चुनू मुन्नू से पूछ लेते हैं। वो जो पुल है वो रास्ता यही है ऊपर ऊपर से, लेफ्ट में रहना है, हाँ सीधा सीधा चला जाना है। कितने दूर है अभी? 5 किलोमीटर है। तोबा 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 तोबा, गजब है ये तो, पता नहीं कितने फूट है यार, बड़ा ऊंचे है, 1-2 क्या आंखों से नापेगा। जाना कहाँ है? वो जो पुल नहीं है वो वाला तार वाला, केबल ब्रिज, हाँ हाँ ये रास्ता, यही रास्ता 250 फुट होगा ये, लेफ्ट में जाना है, सीधा सीधा रास्ता ठीक है ना ये? हाँ ठीक है, ठीक है। 260 के मुताबिक आगे से दो रास्ते आएंगे ना, एक जाएगा इधर इधर आएगा ऊपर, एक आगे जाएगा, आगे वाले जाना ना, ठीक है ठीक है, फिर आगे फिर से दो आएंगे, ठीक है ठीक है, चलो जाना। वीडियो आएगा आपका इस पर, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। चलाते हो ना यूट्यूब, चलाते हो वीडियो भाई, इन चारों ने मिलकर हमारी बहुत मदद कर दी, हम खो गए थे यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं उसी तरफ। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, कर लो सब्सक्राइब, फोटो आ जाएगी आपकी, सारे वीडियो आ जाएगी, ठीक है भाई, ओके। चलो भैया रास्ता तो बता दिया उन्होंने कि यही है, और रास्ता बड़ा ही ऊपर खाबड़ सा है, बाप रे बाप। भैया व्यू हो तो ऐसा, कैसा ऐसा भैया? तो भैया ये नीचे का सारा उधर नीचे दिख रहा है जो आपको, सब का सब जो है रियासी है, और वो उससे पार वाली साइड अखनूर है, फिर वहीं से हम देखते हैं क्या बनता है सीन।
या तो वहीं से जाएंगे या जहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे। दो रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन हमारा जो रास्ता वो इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, पता नहीं किस तरफ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है, देख रहे हो कितना ऊँचाई है। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना आपको, हमें कुछ और दिखाना है। ये उसका एक हिस्सा है छोटा सा, तो सोचो अगर ये ऐसा तो वो कैसा होगा। देखिए बाइक भी गर्म हो गई, हवा फेंक रही है, खुद को ठंडा कर रही है ये भी, हम भी खुद ठंडे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सफ़र अभी भी 42 किलोमीटर है। हमारे साथ धोखा हो गया, हमें लगा कि हम पहुंच गए लेकिन अभी नहीं पहुंचे दोस्तों, क्योंकि जब मंजिल ऐसी हो ना तो उसके लिए टाइम लगता ही है। फैन चल रहा है, फैन चल रहा है ना, गर्म होती है, इसके अंदर फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट।